हेलो जी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज संडे का दिन है, मैं फ्रेश हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। तो अभी हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, समर वेकेशन हो गई है, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अभी आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट। और टाइटल से भी समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं अभी चलता हूँ, निकलता हूँ अपने मेहमानों को पिकअप करने के लिए। तो यहाँ से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब बच्चों ने नानों घर आना होता है ना, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। सुबह के मुझे 3 कॉल्स आ चुकी हैं कि मामू आजे लेने, मामू आजे लेने। तो मैं थोड़ा सा आज उठा भी लेट हूँ, रात को कुछ थोड़ा सा लेट सोया था, कुछ काम कर रहा था मैं ऑफिस का। तो मेरा काफ़ी दिनों से जो है ना, गाड़ी का एसी प्रॉपर तौर पर मेरा काम नहीं कर रहा। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले जाके मैं गाड़ी का एसी चेक करवा लूँ, क्योंकि पीछे बैठे वालों को जो है ना, वो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर, गर्मी तो वैसे ही ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा हो रही है आज के अलावा भी। तो अभी पहले मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ, जाके चेक करवाता हूँ। अगर थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का काम हुआ तो मैं इसको गाड़ी को इसका काम करवा लूँगा। अगर लंबा काम टाइम चाहिए हो उसके लिए, तो फिर मैं इसको पेंडिंग कर लूँगा, फिर किसी दिन पर डाल लूँगा। बड़े दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसी का काम जो है वो करवा लूँ, लेकिन जो मसरूफियात होने की वजह से मेरा चक्कर नहीं था लग रहा मैकेनिक के पास। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी, चलते हैं एसी मैकेनिक के पास, तो देखते हैं वो क्या कहता है। आदिल कार एसी, फाइनली मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गया हूं। तो और मज़े की बात ये है कि मैं जो पैसे हैं वो घर भूल गया हूं, और अभी इधर आके मैं याद आया, मैंने वॉलेट चेक किया अपना, तो मैं पैसे जो है वो लेके नहीं आया घर से। चले खैर, देखते हैं, इसको ऑनलाइन ट्रांसलेक्शन कर देंगे, ऑनलाइन पैसे भेज देंगे या जैज कैश कर दूंगा। चेक तो करवाते हैं गाड़ी को, गाड़ी को मसला क्या है। ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है, और लेट्स सी। शुक्र है इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि आप अपना जो रेडिएटर है उसको एक दफ़ा साफ़ करवा लें सारा, करवा के, और एसी का कुछ एक और पार्ट होता है, पता नहीं इसका क्या नाम ले रहा था, वो रेडिएटर वाला ही जो है वो साफ़ करेगा। तो अभी देखता हूँ ऑफिस जाके 5 बजे तक तकरीबन, जब वेदर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, तो शाम को देखता हूँ और कि इसको टाइम निकाल के थोड़ा सा इसको साफ़ करवा लूँ, क्योंकि गर्मी में इशू ये है कि जब गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, तो इसकी हवा बिल्कुल जो है ऐसी वो काम करना छोड़ देता है। तो चले लेट्स सी, शाम को कुछ टाइम निकालता हूँ तो फिर इसका भी काम करवाता हूँ। अभी चलते हैं अगेन दोबारा, भी दोबारा फिर कॉल आई है मुझे कि अभी तक मामू आप पहुँचे नहीं हैं, तो मैं पहले ही बड़ा लेट हो गया हूँ। तो अभी आप मिलते हैं आपको सीधा उनके साथ। फाइनली इधर पहुँच गए हैं, तो पता नहीं लाइट है लाइट। ये देखें जी, क्या हाल है? ठीक हो? ये जो बच्चा है ना, ये मुझसे भागता है। ये देखें। मामू से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आओ ना। ये इसकी भाई की जो एक्टिंग है ना, वो नियान वाले का वो क्या नाम था, वो जिसका तुम वो करते हो, बाशो, उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी है कि नहीं? पड़ी है, पड़ी है। वो मैं इसके ना वीडियो के साथ लगाऊंगा। इसकी भी जो बचपन की वीडियो है वो भी अभी मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है। हमजा, कोई बात नहीं, तेरी मैं तस्वीर लगा लूंगा, वो वीडियो और अभी की वीडियो। हमजा एक मिनट ना यार, एक मिनट सब तो करना इधर तो। अच्छा क्या ऐसे तो वीडियो में नहीं आएगा? ऐसे नहीं आएगा वीडियो में? इसकी वीडियो में एक छोटे बचपन में, ये बिल्कुल 2 साल का था तब की वीडियो है, तो वो भी मैं लगाऊंगा साथ में, ये दिखाऊंगा आपको। ये देखें कितना बड़ा हो गया। नयान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मामू के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, शेयर भी करना है आप लोगों ने। ओके, तो हम लोग अभी नानू घर पहुंच चुके हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। किधर चलते हैं? नानू के घर के अंदर। और फिर अभी दो दिन जो है इनकी शरारतें और इनके जो नानों के ग्लास प्लेटें वो तोड़ेंगे, वो तो फिर हमारा फर्ज है ना। और झगड़े करेंगे, जो लड़ाइयाँ करेंगे, ये हमजा और मुमैया ये आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। अभी तीसरा जो है ज़ियान, वो आपका वेट कर रहा है, और ये इन सबका बॉस ये है हमजा। गया? नाइट शेड हो गई है। नाइट शेड क्या? वो जो गेम थी। नहीं ना, वो ये देखें, ये इसका, ये आपका नाम क्या? हाँ जी, आपके दोस्त आ गए हैं। तो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? सारे। नहीं, सही बताओ ना। सारे। जो आपको सबसे अच्छा लगता है? सारे। सबसे अच्छा लगता है जो? सारे लगते हैं। ये ज़ियान है, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, और ये मेरे, मैं किसका बेटा हूँ, इनके ऑफिसर मैन क्या होता है? जो ऑफिस में साथ काम करते हैं। तो मतलब अब इनकी जो शरारतें हैं और पबजी है, पबजी खेल रहे हो क्या तुम? कर दिया? मैं नहीं खेलते। आजकल कौन सी गेम खेल रहे हो? मैं बड़ी गेम खेलते हो। चलो यार, इसको पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, ये अपने पापा के साथ टिकटॉक इतनी अच्छी बनाता है, लेकिन जो मेरे साथ है ना, इसको कोई ना कोई मालवक मसला ही रहता है। चल भाग जा, चल 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 भाग जा। अभी बच्चों को घर पे ड्रॉप कर दिया, तो अभी अगेन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको ऑफिस के बाद शाम में। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम कर लूँ, तो फिर मिलेंगे शाम को इंशाल्लाह ताला। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे वसीम भाई हैं, बड़े प्यारे ले भाई हैं, ये इनका ऑफिस है। तो इस टाइम हमारे एक अंकल हैं बड़े प्यारे, वो जो बिरयानी बना रहे हैं, तो अभी किचन में चलते हैं और देखते हैं कि बिरयानी कहाँ तक पहुंची है। बहुत भूख लग रही है चाचू जी, जल्दी कर ले प्लीज, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ऑलमोस्ट जो है वो मटन रेडी हो गया, और चावलों के लिए अंकल तैयारी कर रहे हैं। अंकल कितना टाइम है मटन में? किसी ने भी प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई भी चीज लेनी हो तो ये वसीम भाई हैं। एनी टाइम फादर। एनी टाइम एम एस्टेट रॉयल पाम सिटी ऑफिस नंबर 107। ये हमारा ऑफिस का व्यू है यहाँ से। फाइनली हमारी जो बिरयानी थी वो रेडी हो गई थी, तो उस वक्त ऑफिस में थोड़ा सा माइक का इशू चल रहा था और आवाज़ें, और मुझे सारे बड़ा तंग कर रहे थे। तंग ये हैप्पी भाई हैं, ये ऑलवेज हैप्पी, और ये आप इसकी लुक देख सकते हैं बिरयानी की, बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास इसका टेस्ट। बड़े अरसे बाद जो है ना, मैंने इतनी अच्छी जो बिरयानी है ना वो मैंने खाई है। उसका जो कलर, उसकी, उसके जो चावल, हर चीज़ बिल्कुल 100% परफेक्ट थी। ये यकीन माने खाने में भी बहुत ही शानदार थी, बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे अपने पेट्रोल का और व्लॉग का दोनों का एंड करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपने जो है नए व्लॉग में आपसे मिलूँगा। अभी टाइम हो गया हुआ है, तो अभी मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अपने नए व्लॉग में मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।